हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग अपने रेशियो का पार्ट 12। आप सबको मालूम है कि हम लोग अपने टॉपिक की ओर बड़े अच्छे से और बड़े मस्त गति से बढ़ते जा रहे हैं। चलिए देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 82 तक होमवर्क दिया हुआ था। ओके, 82 क्वेश्चन बहुत सिंपल था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 83 लिखा हुआ है, 12,000 रुपए की राशि ए बी सी और डी के बीच विभाजित की जाती है। ए और बी के शेयरों का अनुपात 8:9 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है, सी और डी का अनुपात 9:13 है। तो बी और डी के शेयरों में अंतर क्या है? एसएससी सीपीओ एग्जाम 2019। अब ये रिसेंट का क्वेश्चन है। देखो अभी, अब देखो यहाँ पे हमको पूछा गया बी और डी का अंतर। क्या पूछा गया? बी और डी का अंतर पूछा गया, तो मुझे बी और डी की जरूरत है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो है सुपर फास्ट वाला और एक एकदम बेसिक वाला। मैं बेसिक वाला यहाँ पे दिखाता हूँ। जो आम बच्चा होगा वो सबसे पहले ये सब लिखेगा, मतलब जिसको पता होंगी चीजें लेकिन वो फिर भी गलती करेगा ही करेगा, स्पीड अप में नहीं आएगा। 8:9, B:C का होगा आपका 2:3 होगा, C:D क्या होगा आपका 9:13 होगा। तो वो यहाँ से क्या करेगा, मतलब यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू निकालेगा। इन चारों की वैल्यू निकालने के बाद इसके रेशियो को जोड़ेगा, फिर बोलेगा ये दिया है 12,000 के बराबर। तो वो देखेगा कि बी और डी के बीच में अंतर कितना, वो उसके बराबर उसका मान निकालेगा। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस बन जाएगा, ऐसा हमको करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन की डिमांड देखो, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है बी रेशियो डी। क्या मांग रहा है? बी और डी मांग रहा है, बी और डी मांग रहा है। अगर मेरे पास बी रेशियो सी हो और सी रेशियो डी हो तो क्या मैं फर्स्ट और लास्ट का बी रेशो डी नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ, और मेरे पास दोनों डेटा अवेलेबल है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? बी रेशो सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। सी रेशो डी कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 9:13 दिया हुआ है। कितना मिल जाएगा? देखो मुझको बी रेशो डी मिल जाएगा। देखो जब कैंसल आउट ना हो ना तो सीधा खड़ा खड़ा मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 = 18, 13 × 3 = 39। इनके बीच में गैप कितना? इनके बीच में गैप है 21 का, इसका गैप है, इनके बीच में 21 का गैप है। अब मेरा जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। और सिंपल बनाने के लिए मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो देखो यहाँ पर 21 क्या है मेरा, 21 से मेरा 3 और 7 का मल्टीपल, दोनों को प्राइम पेयर है, तो हम लोग मल्टीपल्स चेक कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन सा आंसर मेरा 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। एग्जामिनर यहाँ खेलेगा लेकिन वो चूक जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे 7 भी आता है। अब आंसर मेरा 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरा कौन सा आंसर 7 का मल्टीपल है, मेरा यहाँ पे 7 का मल्टीपल क्या, 7 देखो यहाँ पर 7 × 7 6 बचता है। चलो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, सी यहाँ पर रहेगा 7 का मल्टीपल, 7 × 21 6 बच रहा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द डेफिनेटली आंसर, 7 × 21 = 4, 7 × 42। चलो यहाँ पे 2520 आपका आंसर आ गया। तो यार ऑप्शन यार आंसर इसको कि इनके शेयरों में अंतर कितना है, इनके शेयरों में अंतर है 2520 रुपीज का। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सॉल्व करने के लिए मत लगवाना यार प्लीज, ओके सॉल्व करना नहीं है मुझे यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं जब तक सॉल्व करना नहीं छोड़ूंगा तो आप लोग कहाँ से छोड़ोगे? पहले टीचर तो स्टेप्स काटे तब तो बच्चे काट पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 84 पे जाते हैं, और मैं सॉल्व करने नहीं वाला क्वेश्चन। जहाँ पे नीड लगेगी, यहाँ पे बच्चों को थोड़ी तकलीफ होगी, मैं वहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके चलो 83 हुआ, अभी 84 पे आते हैं। देखो सवाल क्या दिया हुआ, रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी है। रिजवान ने एक बक्से में नीली और लाल और नीली कांच की गोलियां रखी है, तथा लाल और नीली गोलियां 5 और 4 के अनुपात में है। अरे बाप रे, लाल और नीली गोलियां 5 और 4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है, तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं? उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं?
पांच गोलियां खो जाने के बाद, पांच लाल गोलियां खो जाने के बाद। अब ये देखो, अब ये जो आपका सवाल है, अब अगर इसको सवाल को दो टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो बेसिक वाला मेथड, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर बेसिक वाला मेथड क्या है आपका, रेशियो कितना दिया गया है, मैं रेड और ब्लू का रेशियो मान के लेता हूँ, दिया गया है 5 और 4 दिया गया है, ये तो दिया ही गया है। मैंने माना मैंने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया इनके अंदर 5K, और ये मेरा बन गया 4K। अब क्या बोल रहा है कि 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद में, तो रेड में से क्या हुआ, 5 लाल गोलियां होगी, मतलब रेड में से 5 गोलियां माइनस हो गई, ब्लू मेरी वैसी की वैसी है, तो रेशियो कितना बन जाएगा, 10:9 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालो, तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं, उसका आंसर निकाल लो। उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं उसका आंसर निकाल लो, वो हमको मालूम पड़ जाएगा। चलिए, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, मैं ऊपर से ना अगर 5 काट लेता तो मुझको क्या मिल जाएगा, K-1। अरे देखो ना, सिंपल है ना, 5 कॉमन निकाल लो, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 4K, यहाँ पर कितना बन जाएगा 2, और यहाँ बन जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर लो, 9K-9 = 8K, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, K = 9। कोई दिक्कत है, K = 9। अब कितनी गोलियां बची है, इतनी गोलियां बची है ना, ऊपर वाली रेड नीचे वाली ब्लू, तो दोनों का सम कितना मिल जाएगा, 9K-5, 9 × 9 - 5, 81 - 5 कितना होगा, 76 इज माई करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। इस ऑप्शन में मल्टीपल काम आता है कि नहीं आता, वो हम लोग सेकंड मेथड से जाके देखेंगे, और ये बेसिक वाला मेथड है जो आप लोग स्कूल में सॉल्व किया करते थे, बट अभी आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, अब जाते हैं अपने सेकंड वाले मेथड पे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लो। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, रेड और ब्लू दिया गया है, पहले 5:4 था। पहले कितना था, 5:4 था, अब कितना बन गया, वो 10:9 बन गया है। अब इसमें खोई कितनी है, देखो यहाँ पे खोया क्या है, ध्यान से देखना, खोया क्या है यहाँ पे क्या, लाल गोलियां खोई है, लाल गोलियां खोई है, ब्लू तो मेरी वैसी की वैसी है, तो ब्लू तो रेशियो में सेम रहना ही चाहिए ना, ब्लू तो रेशियो में सेम रहना ही चाहिए, तो जो गोली खोया नहीं है उसको रेशियो में सेम करो, तो जो 4 यहाँ है उसको 4 यहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जो 9 यहाँ उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से क्या होगा, ये ब्लू वाला गोली क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो रेड रेशियो ब्लू कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 5 × 9 = 45, 9 × 4 = 36, यहाँ यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 40, यहाँ मिल जाएगा 36। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्लू मेरी वैसी की वैसी है, रेशियो में क्या हुआ, गोली 45 से 40 हो गई, क्या हो गई, कम हो गई, रेशियो में कितना कम हुआ है, 5 कम हुआ। रेशियो में 5 कम हुआ है, रियल में कितना कम हुआ है, 5 ही कम हुआ है, मतलब 1 का मतलब 1, मतलब सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज है। अब पूछा क्या, अब उसके पास कितनी गोलियां बची हैं, तो उसकी रियल गोलियों का मान है कितना है यहाँ पर, 76। खत्म, ये था आपका सेकेंड मेथड। अब बताओ कौन सा आसान लग रहा है आपको, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 83 पे जाते हैं। एटी थ्री तो अब भी किया ना, 84 किया ना, अभी 85 पे जाते हैं। देखो, राशि एक्स को पी ए और सी में इस तरह विभाजित किया जाता है, ए बी सी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए रेशियो बी कितना मिलता है, 6:7 मिलता है, बी रेशियो सी कितना मिलता है, इस 3:1। इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड सी इज 540, ये डेटा याद में रखना, कि ए और सी के बीच का डिफरेंस 540 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके लिए मुझे ए बी सी पूरा निकालना पड़ेगा। चलो
ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मिल जाएगा मुझे, देखो 6 3 18, 7 21, 7 1 7, ए और सी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, रेशियो में डिफरेंस कितना है देख लो यहाँ पर, रेशियो में डिफरेंस कितना है 18 और 7 ना, 11 का डिफरेंस है यहाँ पर, कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। ओके तो 11 का डिफरेंस किसके बराबर दिया है, 540 के बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है, 540 के बराबर दिया है। ओके अब 11 का डिफरेंस 540 के बराबर दिया है, क्वेश्चन में ना कुछ तो गलती है, क्योंकि ये डिफरेंस अगर 540 होगा, वेट 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 हमने यहाँ पे गलती कर दी, 3:1 नहीं 3:2 आएगा, ये भी चेंज होगा क्योंकि 540 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि आंसर इंटीजर में है मेरा, तो 3:2 है, 6 3 18, ओके 6 3 18, 7 3 21, 7 2 14, सब 3 से भाग जा जा मेरा जा रहा है, 3 6 18, 3 7 21, सॉरी नहीं जा रहा है, ओके नहीं जा रहा, 3 से भाग नहीं जा रहा है, 14 पे ध्यान नहीं गया मेरा। डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है, 4 का मतलब दिया हुआ है 540, 1 का मान कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, 135 मिल जाएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है किसका मान, एक्स का मान निकालना, मतलब वो इन तीनों का सम होगा मेरा। ओके तो 8 4 12 1 13, कैरी का 1 2 1 3 1 4 1 5, 53, 53 का मान निकालना है। ओके कितना मिल जाएगा, 135 मल्टीप्लाई बाय 53, देखो यहाँ पर ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे, यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा। अब 5 में से देख लो ये क्या बन रहा है मेरा, अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो 5 3 9 बन रहा है, और 5 3 8 बन रहा है, तो देखो 9 कहाँ पे बन रहा है मेरा, 9 मेरा बन रहा है यहाँ पर, 5 5 10 8 18, यहाँ भी 9 बन रहा है, और 5 4 9 7 2 9, यहाँ भी 9 बन रहा है। एग्जामिनर ने दो ऑप्शन में हमको फंसा दिया है। ओके अब इसको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सॉल्व, ये सोचने वाली बात है, क्या और कोई तरीका है इसको निपटाने का, पूछते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में हमको इतना बड़ा सॉल्व, देखो अब कि आप ना किसी किसी क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा ही आपको, आपको केवल लास्ट के 2 ही डिजिट निकालने ना, आपको केवल लास्ट के 2 ही डिजिट निकाल दे, देखो यहाँ 25 है यहाँ 55 है, सब तो आपको निकालना नहीं है, बट अगर आप लोग 100 से भी डिवाइड करते हो, अगर आप लोग 100 से डिवाइड करते हो, मैंने आपको शायद नंबर सिस्टम में सिखाया रहेगा, अगर आप लोग 100 से डिवाइड करते हो तो आपको लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगे, इसके की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक साइड मेरा रिमाइंडर 35 बचेगा, एक साइड रिमाइंडर मेरा 53 बचेगा। ओके कितना बचेगा, 35 और 53 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, तो इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो अब इतना अच्छा है कि हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर ले। ओके तो 5 3 15, 5 3 15, 3 3 9, कैरी 1 10, 25 25, कैरी का 2 5 3 15 2 17, तो लास्ट में क्या आएगा मेरा, 55 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब मेंस में कई बार तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमको सॉल्व करना ही पड़ता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं रहता, क्योंकि देखो क्वेश्चन इतना अच्छा सेट किया गया है कि इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, इसका भी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है, तो हम लोग को सॉल्व करना ही था लास्ट टू लास्ट। ओके चलिए, और 53 का टेबल सबको आता हो, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है, को प्राइम पेयर बनता तो शायद मल्टीपल भी देख लिया जाता, लेकिन वो भी नहीं देख पाते हम लोग अभी यहाँ, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका को प्राइम पेयर बन नहीं सकता। चलो 86 पर जाते हैं, अब सब क्वेश्चन सिंपल आए ऐसे जरूरी थोड़ी ना है। चलो ये आपका न्यू टाइप का सवाल है, डालो यहाँ पर न्यू टाइप, क्या है आपका न्यू टाइप, चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया गया है, न्यू टाइप नहीं है ये छोड़ो,
मेरे को लगा मल्टीप्लाई वाला सवाल अभी आ गया। ओके चलो देखो यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है दो संख्याओं के योगफल और उनके अनुपात, उनके अंतर का अनुपात दिया गया है। तो ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी कितना दिया गया, 5:1 दिया गया। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात कितना है, तो बड़ी और छोटी के बीच का अनुपात पूछा, इनको जोड़ दो, खत्म बात। 2a मान बराबर 6, तो यहाँ पे जितना मिल जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा आपको 3, तो बी बराबर 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर, खत्म बात। चलो 87 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है वो आपका, जहां से आपका न्यू टाइप चालू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 87। हाँ देखो प्रोडक्ट वाला सवाल है, ये आपका न्यू टाइप है। चलो देखो, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ओके चलो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एग्जामिनर अगर खेलना चाहे तो कैसे खेल सकता है आपके साथ, वो मैं आपको दिखा दूँ। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन पूछा है, अनुपात में कितना दिया गया, 5 और 3, इनका मल्टीप्लीकेशन अभी 15 होता है, इनका को प्राइम पेयर 3 और 5 होता है, मतलब मेरा आंसर 3 और 5 का मल्टीपल होगा, मतलब मेरा आंसर 3 और 5 का मल्टीपल होगा। अब देखो 2016 का ही क्वेश्चन है भले, लेकिन ऑप्शन कितने अच्छे सेट किया गया, 3 और 5 का मल्टीपल, 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 मतलब चारों के चारों ऑप्शन 3 और 5 के मल्टीपल है आपके, चारों के चारों ऑप्शन 3 और 5 के मल्टीपल है, और जो आंसर 3 और 5 का मल्टीपल है वो तो 15 का मल्टीपल बाय डिफॉल्ट बन ही जाएगा। ओके तो यहाँ पे अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे करना है सॉल्व। देखो प्रोडक्ट में क्या होता है मालूम, प्रोडक्ट में एक खासियत होती है, क्यों मालूम है, देखो जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने लिखा 5x+3x जोड़ के आ जाएगा 8x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ भी x आया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 5x/3x, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 15x² मिल जाएगा, सिंगल एक्स बट x² समझ गए। तो ये जो x² है ना, ये x² होता है, मतलब जो आपको एक की वैल्यू मिलेगी ना उसका बाद में स्क्वायर करना होता है, इसके लिए समझ गए, ये एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है हमको कि हमारे कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो जाए। चलो तो देखो यहाँ पर मैं पहले आपको ये क्वेश्चन एक्स लेके समझाता हूँ, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे एक्स का साथ छोड़ देंगे। ओके देखो दो नंबर दिए मैंने यहाँ पे, माना 5k और 3k, एक्स की जगह मैंने k मान लिया, डिफरेंस कितना दिया हुआ है इसका 2k दिया हुआ है, तो 2k का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 160 दिया हुआ है, मतलब k का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ओके k का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। अब इनका मल्टीप्लीकेशन पूछा है कितना मिल जाएगा मुझे, 15k² मिल जाएगा, तो यहाँ पे 15k² की वैल्यू निकालनी है, कितना मिल जाएगा मुझे, देखो 15 × k² मतलब यहाँ पे 80 × 80 मतलब 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 6400 मेरा आ जाएगा। अब मेरा आंसर क्या होगा, देखो मेरा जो भी आंसर होगा वहां पे कितना आएगा लास्ट में, 3-0 आना तो पक्का ही है, वहां पे 3-0 आना तो मेरा पक्का ही है। ओके तो क्या इसको मैं सॉल्व करूं, क्योंकि 5 चौक 20 और ये तो मेरा आंसर यहाँ पे आ ही गया, बट इसके बाद में मेरा आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर ए ही है कि 3-0 के बाद यूनिट डिजिट मेरा 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप बाय ऑप्शन जा सकते हो जिसका आंसर कितना होगा, 96,000 होगा। कैसे निकाला मैंने, देखो 15 और 64, 3-0 आना पक्का है यहाँ पर, तो 6 भी तो बचा है यहाँ पर, जो एक से मल्टीप्लाई होकर मेरा यूनिट डिजिट जो सेकेंड लास्ट आएगा वो, मतलब कि 0 के बाद का डिजिट कितना आएगा मेरा, 6 आएगा, समझ गए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है इसका, यहाँ पर आप के की वैल्यू दोनों में पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 × 48 मतलब 400 और 8 × 3 = 24 मतलब 240, तो यहाँ पे निकाल लो आप लोग, तो 400 × 240, यहाँ पे 400 × 240 करते हैं आप लोग, तो 3-0 तो वैसे ही आता, बाद में 4 चौक 16 होता आपका, क्या होता, 4 चौक 16 होता आपका। ओके तो यहाँ पे कितना मिलता आपको, 6 मिल जाता, मतलब 9600 आपका आंसर होता है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आपको होमवर्क के लिए दिए दिए छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 88 कहाँ गया,
ये आपके होमवर्क का सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करके आना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।